अर्जुन जी, किस प्रकार से भांग नष्ट करने की जो एक मुहिम वहां पर छेड़ी गई है, किस प्रकार से वहां कार्य किया जा रहा है और प्रशासन किस प्रकार से इसमें पूरा अपना सहयोग दे रही है, प्रशासन का कितना सहयोग इसमें देखा जा रहा है? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे भिलेसा के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, पिछले 2 या 3 दिनों से यहाँ पे भांग को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्वाड़ी इलाके में हो या गुंदो इलाका हो या भटियास इलाका हो, मोहम्मद नवाज खांडे जो यहाँ पे DSP हैं, उनकी देखरेख में ये सारा कार्य हो रहा है और भांग को हर जगह नष्ट किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को जो है नशे से दूर रखा जा सके। तो अर्जुन जी, अभी अभी तक अर्जुन कितनी कितना कहाँ तक देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में इस तरह से भांग को नष्ट किया गया है? जिस प्रकार से अगर यूथ को देखा जाए, आज जो इस तरह से उनके पीछे भाग रही है, नशा के पीछे, तो इस नशा से दूर करने की किस प्रकार से, क्या सोच के साथ इस मुहिम को छेड़ा गया है? मैम, सोच तो इसमें यही देखी जा रही है क्योंकि बहुत सारे युवा इस वक्त लॉकडाउन के बीच में जो है डिप्रेस रहते हैं, इस कारण से वो नशे की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है कि इस भांग जितनी भी जहाँ पर भी है या इस प्रकार के जहाँ भी नशे के कारोबार किए जाते हैं उसे बंद किया जाए। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी दुकानें जहाँ पे ड्रग्स को बेचा जाता है वहाँ पे सख्त चेतावनी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है कि वो इस प्रकार का कोई भी सामान दुकानों पर ना बेचें, नहीं तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो है आपको बता दूं कि जो गाँव के इलाके जो होते हैं इनमें इस प्रकार के जो नशे के कारोबार हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और इसलिए इसको खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन का बहुत ही अच्छा कदम है और इस पर जितनी उनकी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस प्रकार इस समय युवा को जो है चीज से दूर रखना वो बहुत बड़ी प्राथमिकता है, चाहे वो सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो। तो पुलिस ने जो एक अच्छे कार्य करने के लिए जो उन्होंने एक कदम उठाया, इस कदम में पुलिस अभी कहाँ तक एक सफल हो पा रही है? पुलिस से अगर आपकी बात हुई, कोई जानकारी मिल पाई, तो क्या जानकारी पुलिस क्या बता रही है, यूथ को किस प्रकार वो समझा पा रहे हैं या फिर किस प्रकार उनको जबरदस्ती करना पड़ रहा है इन सब चीजों से उन्हें दूर करने के लिए? जी मैम, देखिए जहाँ पर किसी कार्य को किया जाता है वहाँ पे थोड़ी कठिनाइयां तो आती है। जब हमारी बात यहाँ के DSP मोहम्मद नवाज खांडे से हुई, बहुत जगहों पे भांग पैदा होती है, लोगों की जमीन में भी होती है और वहाँ पर वो नष्ट नहीं करने देते, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है और वहाँ पर सख्ती भी बरतनी पड़ रही है। और क्योंकि अच्छे काम के लिए सख्ती बरतना कोई बुरी बात नहीं, इस भांग को डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है समाप्त किया जा रहा है, और उनका कहना कि आने वाले वक्त में भी इस चीज को और बढ़ावा दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट डोडा में जितने भी तहसील हैं उन सभी जगहों पर इस भांग की जो पैदा होती है उसे नष्ट किया जाएगा। तो ये जो भांग की खेती होती है, जो भांग की पैदावार होती है, इस पे पहले कभी एक्शन नहीं लिया गया? पहली बार है जब इस तरह से प्रशासन इतनी मुस्तैद होके, प्रशासन पूरा ध्यान बना के इस तरह से मुहिम चला रही है? जी मैम, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि पहले तो हमने कभी नहीं देखा कि भांग इस तरीके से उजाड़ी जाए या भांग को इस तरीके से काटा जाए। आज तक इस प्रकार का कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है वो इस पर कड़े कदम ले रहा है और हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसा कदम उठाया गया है, और जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा और फलदायक हो सकता है। तो अर्जुन, इस सब ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप नजर बनाए रखिए, आगे और भी जानकारी के लिए हम आपसे इस तरह जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।